बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 8वीं विषय नागरिक शास्त्र अध्याय 3 इसमें अतिलघु प्रश्न लिखवाएंगे। आपका अध्याय 3 है भारत की विदेशी नीति एवं पड़ोसी देशों से संबंध। तो ये आपको लिखाया जाएगा। देखिए, भारत और नेपाल के बीच किस प्रकार के संबंध हैं? भारत और नेपाल के बीच किस प्रकार के संबंध है? उत्तर आपको लिखना है भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है। देखिए क्वेश्चन, भारत और नेपाल के बीच किस प्रकार के संबंध है? भारत नेपाल, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। तो पूछ रहा है भारत और नेपाल के बीच किस प्रकार के संबंध है? जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान हमको दुश्मन दृष्टि से देखता है, उससे हमारे संबंध मधुर नहीं है, लेकिन नेपाल से हमारे संबंध मधुर है। नेपाल को भारत सहायता देता है और नेपाल भी भारत को अपना सहयोगी मानता है। तो नेपाल और भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत नेपाल की क्या सहायता कर रहा है? भारत नेपाल की क्या सहायता कर रहा है? भारत नेपाल की आर्थिक रूप से सहायता कर रहा है, ठीक है। तो भारत नेपाल की क्या सहायता कर रहा है? भारत नेपाल की अनेकों तरह से सहायता कर रहा है, जिनमें से प्रमुख आर्थिक सहायता है। आर्थिक सहायता यानी कि धन से सहायता कर रहा है, क्योंकि नेपाल एक गरीब देश है। नेपाल, भूटान ये गरीब देश है, तो वहाँ की को विकास में लाने के लिए, वहाँ की जनसंख्या को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए भारत आर्थिक सहायता कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी नीति किसे कहते हैं?
कहते हैं? विदेशी नीति किसे कहते हैं? विदेशी नीति, देखिए विदेशी नीति का मतलब होता है कि हम किस देश से व्यापार करेंगे, किस देश को हम अपना मित्र बनाएंगे, किस देश से हम क्या चीज लाएंगे, यही विदेशी नीति कहलाती है। ठीक है ना? तो अब आपको जो है अगला प्रश्न आपके लिखा दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास आपकी लघु प्रश्न की होगी, तब तक आप इसको याद करिए और लिखिए। थैंक यू।